देखिए गाइस, ये मेरा ड्रेसेना का प्लांट है और इसी में मैंने ये जो कटिंग लगा रखी थी क्रोटोन की, वो मेरी कटिंग अच्छे से लग गई है, देखिए आपको नज़र आती होंगी। और इसी में ये ड्रेसेना के कुछ नए शूट्स निकले हैं गाइस, देखिए कुछ इसी में नए पौधे निकले हैं। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ कि ये सब गमला पलट के इसकी मिट्टी बदलना चाह रही हूँ और इसी में से ये प्लांट निकाल रही हूँ मैं, वही आपको दिखाती हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद जूबी। आपके अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। देखिए गाइस, ये आपको कुछ ये नज़र आते होंगे कुछ गमले मिट्टी और ये कुछ मेरे कटिंग जो मेरी सक्सेस हो चुकी है, वो सारी कटिंग क्रोटोन की। तो ये देखिए, अभी मैंने कुछ थोड़ी देर पहले देखिए ये प्लांट को इसमें शिफ्ट की हूँ, ये गमले में। पहले भी इसी में था गाइस ये, मगर इसमें इतनी सारी नए रूट्स निकल गई थी, नए प्लांट आ चुके थे इसके ड्रेसेना के। तो मैंने क्या किया कि इस गमले की मिट्टी बदल के दूसरी मिट्टी डालती हूँ और इसी में सारे प्लांट और दोबारा से लगाती हूँ, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत पुरानी हो चुकी थी गाइस, बहुत दिन हो चुके थे इसकी मिट्टी मैंने बदली नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगा कि ये मिट्टी ख़राब हो गई है, क्योंकि जो इसके जो पत्तियाँ हैं वो पूरे देखिए इधर से जल रही थी। तो इसका इसकी वजह यही है गाइस कि इसकी अगर रूट्स गल रही है नीचे, तो ये पत्तियाँ इस तरह से ख़राब हो जाती है, कोई भी प्लांट की पत्तियाँ इस तरह से ख़राब हो जाती है। तो गाइस समझ लीजिए कि हमारी जो पौधे की रूट्स है वो नीचे गल रही है, तो इसी वजह से मैंने इसकी मिट्टी बदल दी और इसी में सारी ये जो नई प्लांट छोटे छोटे रेसिना के निकल रहे थे गाइस, वही प्लांट मैंने इसी में एक ही गमले में लगा दी हूँ सारे के सारे। और ये देखिए गाइस, ये सारी कटिंग मेरे क्रोटोन की कटिंग जो दूसरे गमलों में लगी थी उसे मैंने निकाला है। और ये देखिए सारे आपको क्रोटोन की कटिंग मुझे दिखाई दे रही है, ये भी अभी मैंने गमला शिफ्ट करी हूँ क्रोटोन की कटिंग का। और ये देखिए आपको दिखाती हूँ, ये भी मेरी कटिंग कितनी अच्छी रूट्स आ गई थी इसमें, ये देखिए ये कटिंग मेरी पूरी सक्सेस हो गई है। अब ये गमले में ये देखिए, ये 10 रुपये का गमला है मेरा, तो इसी में मैं ये प्लांट को लगाने वाली हूँ जो मेरी ये कटिंग अब लग गई है, इसकी रूट्स भी बहुत सारी निकल चुकी है, तो इस गमले में मैं इसे लगाने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, ये सारी की सारी मिट्टी यहाँ पर इस तरह से फैली हुई है मेरी मिट्टी। ये देखिए ये गमले में मैं सारी ये थोड़ी मिट्टी भर देती हूँ। इससे पहले ये कटिंग गाइस इस टोकरी में लगी हुई थी, आपको मैंने दिखाई भी थी इससे पहले, ये टोकरी में ये कटिंग लगी हुई थी। तो अब ये इसके रूट्स बहुत बड़े हो रहे थे, तो इस वजह से इन्हें गमला दूसरा ज़रूरी था देना गाइस, बड़ा गमला, तो इस वजह से ये वाले गमले में मैं ये कटिंग को शिफ्ट करने वाली हूँ। और थोड़े दिनों के बाद में जब इसकी और ज़्यादा ग्रोथ होने लगेंगी तो मैं फिर और दूसरा बड़ा गमला इसे प्रोवाइड करूँगी। ये देखिए गाइस, इस तरह से हमें ये कटिंग को बैठा देना है अच्छी तरह से, और इसमें ये मिट्टी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। ये सारी मिट्टी मेरी बनी हुई है, वेलड्रेन सॉइल मेरी बनी हुई है, ये पहले मैं तैयार करके रख दी हुई मिट्टी को, और ये मिट्टी में हमें इसे प्लांट को पूरी तरह से ये ढक देना है। तो गाइस मुझे अभी ज़रूरी था, क्योंकि ये सारी क्रोटोन की कटिंग जो लगाई हुई थी मैंने, इसे करीब 2-3 महीने हो चुके थे क्रोटोन की कटिंग को लगी हुई, और अब ये बड़ी हो रही थी, तो रूट्स भी और ज़्यादा बड़ी हो रही थी, फिर वो दूसरे गमले में से निकाल कर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था गाइस। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि अब इसका वक्त आ चुका है कि कटिंग को दूसरा गमला दिया जाए। तो देखिए गाइस, ये मिट्टी हमारी अब इस तरह से ये प्लांट पूरा मेरा इस गमले में देखिए लग गया है।
तो इसी तरह से गाइज मैंने देखिए कितने प्लांट तैयार हो गए हैं मेरे कटिंग से। एक ये है क्रोटोन की कटिंग, ये अलग वैरायटी की कटिंग है गाइज, और ये अलग वैरायटी की कटिंग है, आपको दिखाई दे रही होंगी देखिए, और ये अलग वैरायटी की कटिंग है। ये दोनों एक ही वैरायटी की कटिंग है गाइज, और ये दोनों अलग वैरायटी की कटिंग है। इस तरह से गाइज मेरे पास में क्रोटोन के बहुत सारे पौधे बन चुके हैं कटिंग से, मैंने जो तैयार करके रखे हैं गाइज एक ही कटिंग से। मैंने जो भी कटिंग मेरी प्लांट जो मेरा बड़ा हो रहा है उसमें से मैंने कटिंग निकाल निकाल के कितने सारे क्रोटोन के प्लांट तैयार कर चुकी हूँ मैं इसी तरह से गाइज। तो देखिए घर बैठे हमारे एक पौधे से कई पौधे घर बैठे ही बन जाते हैं। और ये देखिए ड्रेसिना का प्लांट, ये भी मेरा एक प्लांट से कई प्लांट इसके तैयार हो चुके हैं गाइज। देखिए जब मैं नर्सरी से ये प्लांट को लाई थी गाइज तो एक ही था छोटा सा प्लांट, और अब इसके देखिए ग्रोथ कितने सारे इसमें नए, देखिए नए प्लांट निकले हैं गाइज। अभी ये जब ये छोटे हैं तो ये इसमें ग्रीन कलर है, जब ये थोड़े से बड़े होंगे और इसे अच्छे से धूप लगेंगी तो इसी तरह से इसमें भी कलर आएगा, जैसा कि ये आपको कलर नज़र आता है इसी तरह से कलर ये वाला इन नए प्लांट्स में भी नज़र आएगा गाइज। और ये देखिए ये भी मेरी कटिंग से ग्रो की हुई है ड्रेसिना है गाइज, ये भी दो कटिंग मैंने लगा दी थी इस गमले में, तो ये भी अच्छी खासी बढ़ चुकी है मेरी कटिंग। तो देखिए गाइज इसी तरह से एक पौधों से हम कई पौधे तैयार कर सकते हैं घर में। और ये देखिए डेफनबेकिया का आपको पता ही होगा मेरा कितना बड़ा प्लांट था, तो उसी में से मैंने क्या करी हूँ गाइज कि ये प्लांट के देखिए मैंने एक प्लांट के कई प्लांट तैयार हो सकती है हमारी इस तरह से डेफनबेकिया के। देखिए इसमें से जो छोटी छोटी कटिंग थी गाइज मैंने ये पूरे गमले में तीन चार कटिंग लगा दी है इसकी, और इसमें के एक इसमें का एक प्लांट मेरे भाई को दे दी हूँ गाइज, जो मैंने आपको इससे पहले मैंने बताई थी कि मेरे भाई की डिमांड है कि मुझे ये प्लांट चाहिए, तो एक प्लांट मैंने मेरे भाई को दे दिया है। और ये देखिए, और इसी एक जो डेफनबेकिया का एक जो स्टेम थी मोटी मोटी सी उसे काट के मैंने कई देखिए छोटे छोटे टुकड़े ये मिट्टी में लगा दिए हैं, अब थोड़े दिनों के बाद में इसमें नई रूट्स निकलेंगी गाइस और एक पौधों से कई पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए अभी मेरा किस तरह से ये गार्डन पूरा फैला हुआ है, क्योंकि अभी काम शुरू है इसमें, तो अभी ये जब ये काम पूरी तरह से हो जाएगा गाइस तो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से मैंने ये नए जो पौधे तैयार किए हैं ये गमले में कहाँ रखती हूँ और कैसे रखती हूँ आपको दिखाती हूँ।